अगर आपको अपने विंडोज़ 10 के लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ऑडियो का इशू आ रहा है, आपका जो साउंड है वो वर्क नहीं कर रहा, या फिर आपको इस तरह का क्रॉस का आइकन आ रहा है अपने स्पीकर वाले आइकन के ऊपर, या फिर आपका जो स्पीकर वाला आइकन है वो यहाँ पे शो ही नहीं कर रहा, तो कैसे आप उसको फिक्स करेंगे? इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। हम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले स्टेप से। सबसे पहले आपको क्या करना है, विंडोज़ 10 के अंदर एक ट्रबल शूटर का ऑप्शन आता है, उसको हम रन करेंगे। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, अगर आपका यहाँ पे आइकन शो हो रहा है तो इस पर आप राइट क्लिक करके यहाँ पे आपको ट्रबल शूट का ऑप्शन मिल जाएगा। इन केस आपका यहाँ पे स्पीकर का जो आइकन है वो शो नहीं कर रहा, तब हम क्या करेंगे, इस विंडोज़ आइकन पे क्लिक करेंगे एक बार और यहाँ पे हम टाइप करेंगे ट्रबल शूटर। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ट्रबल शूट सेटिंग्स का, इस पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद ये जो एडिशनल ट्रबल शूटर्स है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा प्लेइंग ऑडियो, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ जाएगा रन द ट्रबल शूटर, इस पर आपने क्लिक करना है। अब आपके सिस्टम में जो ट्रबल शूटर है वो रन हो रहा है। बेसिकली ये ट्रबल शूटर आपके सिस्टम को एनालाइज करेगा और ऑडियो से रिलेटेड कोई भी इशू होगा तो उसको ये फिक्स कर देगा। आपने थोड़ा वेट करना है, अभी जो ट्रबल शूटर है वो रन हो रहा है। 1 से 2 मिनट का वेट करने के बाद मुझे ये स्क्रीन सामने आई है। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा यस ओपन ऑडियो एनहांसमेंट, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये विंडो खुला, आपने सिंपली कुछ नहीं करना, इसको मैं कट कर देता हूँ। फिर से बैकग्राउंड में ट्रबल शूटर रन हुआ और इसने जो मेरी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर दिया। देखो यहाँ पे लिख के आ गया फिक्स, ये टिक मार्क आया, और नीचे जो मुझे एरर आ रहा था मेरे स्पीकर के ऊपर रेड कलर का, वो भी यहाँ से रिमूव हो गया और अब जो मेरा स्पीकर का इशू है वो सॉल्व हो गया। मोस्ट केसेस में ये जो ट्रबल शूटर है आपका इशू फिक्स कर देगा, अगर छोटा मोटा इशू होगा तो। इसको मैं कट करता हूँ। अगर इसके बाद भी आपको सेम इशू आ रहा है, आपका जो इशू है वो सॉल्व नहीं हुआ है, उसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप फॉलो करेंगे, हम क्या करेंगे, इस आइकन पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम क्लिक करेंगे साउंड्स के ऊपर, ठीक है। इस तरह का विंडो खुलेगा। वही सेम चीज़ मैं फिर से बताना चाहूँगा कि अगर आपका आइकन यहाँ पे शो नहीं कर रहा तो उस केस में आप क्या करोगे, विंडोज़ आइकन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे कंट्रोल पैनल, कंट्रोल पैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये जो ऑप्शन देख रहे हैं व्यू बाय, इसको हम चेंज कर देंगे स्मॉल आइकन्स पे और यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाएगा साउंड का, इस पर आपने क्लिक करना है। दो मेथड है इस ऑप्शन को खोलने के, या तो आप यहाँ से राइट क्लिक करके ओपन कर लो साउंड पे क्लिक करके, नहीं तो आप कंट्रोल पैनल से भी खोल सकते हो अगर आपको यहाँ पे आइकन ही मिसिंग है आपका। तो ये विंडो खुल के आएगा। आपने क्या करना है, ये जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है प्लेबैक, यही आपका जो साउंड का जो ड्राइवर वो यहाँ पे दिखता है आपको, तो फर्स्ट वाले टैब पे क्लिक करना है प्लेबैक पे। ये मेरा स्पीकर है, इन केस ये डिसेबल हो रखा है, जैसे कि अगर मैं इसको डिसेबल करके दिखाता हूँ आपको, मान लो ये डिसेबल हो रखा है, ठीक है। तो डिसेबल जैसे ही होगा यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेड वाला आइकन मतलब क्रॉस वाला आइकन यहाँ पे आ चुका है, तो मेक श्योर कि ये इनेबल होना चाहिए हमेशा। राइट क्लिक करके इसको आप सिंपली इनेबल कर दो, जैसे आप इनेबल करोगे यहाँ से भी वो जो रेड मार्क वाला एरर था वो हट गया। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करा इसको क्लिक करके इसके ऊपर, और उसके बाद प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे इसकी। इस तरह का एक छोटा विंडो और खुल के आ जाएगा आपके सामने। आपने क्या करना है, जो लेवल्स वाला सेकंड टैब है इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका लेवल सेट करेंगे करने का ऑप्शन है, और यहाँ से भी आप इसको डिसेबल कर सकते हो। मान लो इस वाले आइकन पर मैं क्लिक करूंगा ना, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कट वाला आइकन आ गया, मतलब क्रॉस का आइकन यहाँ पे आ गया और नीचे भी क्रॉस का आइकन आ गया, तो यहाँ से भी ये डिसेबल हो जाता है कभी कभी। तो मेक श्योर कि यहाँ पे जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो वापस इनेबल हो जाएगा, तो मेक श्योर ये इनेबल रहे, और यहाँ से आप इसका लेवल भी ऊपर नीचे कर सकते हो। इसके बाद आपने क्या करना है, जो सेकंड थर्ड वाला टैब है इन्हेंसमेंट, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा रिस्टोर डिफॉल्ट, इस पर आप क्लिक कर दो। उसके बाद एडवांस वाले ऑप्शन पर जाओ, रिस्टोर डिफॉल्ट पर क्लिक कर दो। रिस्टोर डिफॉल्ट से क्या होगा, जो उसकी बाई डिफॉल्ट सेटिंग्स होती है ना ऑडियो की, वो वापस से वो डिफॉल्ट मोड पर लेके आ जाएगा। थर्ड लास्ट वाले टैब पे भी क्लिक करेंगे और यहाँ भी हम रिस्टोर डिफॉल्ट पे क्लिक करके अप्लाई ओके ओके कर देंगे। अब मैं एक सिनेरियो डिस्कस करना चाहता हूँ आपसे। इन केस आपका जो साउंड है ना, जैसे इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको, मान लो यहाँ पे आपको वॉल्यूम आ रहा है प्रॉपर, आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो आपको ऑडियो आ रहा है, बट अगर आप कोई किसी वेबसाइट पर कोई वीडियो देख रहे हो और उसके अंदर आपको साउंड नहीं आ रहा है, तो आपको लगेगा कि जैसे कि आपके साउंड ड्राइवर में इशू आ गया या फिर आपके ऑडियो ड्राइवर में इशू आ गया। ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे क्लिक करने से यहाँ पे आपका वॉल्यूम आ रहा है ना, दैट मीन्स कि जो आपका ड्राइवर है वो प्रॉपरली इंस्टॉल है,
आपके ऑडियो के अंदर कोई इशू नहीं है। मान लो आपने क्रोम के अंदर किसी ब्राउजर के अंदर मतलब यूट्यूब खोला हुआ है, उसमें आप कोई वीडियो रन चला रहे हो और उसमें आपको साउंड नहीं आ रहा है, तो आप एक चीज़ और ट्राई कर सकते हो। स्पीकर आइकन पर राइट क्लिक करो और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन वॉल्यूम मिक्सर। इस पर आप क्लिक करोगे ना तो ये बॉक्स खुल के आएगा एक। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो क्रोम मैंने खोला हुआ है यहाँ पे, इस पे जो वीडियो रन हो रही है ना, मतलब क्रोम के अंदर जो मेरा ऑडियो है वो डिसेबल हो रखा है। देखिए यहाँ पे रेड कलर का क्रॉस का आइकन है, जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा ना तो मेरे क्रोम ब्राउजर के अंदर अगर मैं कोई भी वीडियो प्ले करता हूँ तो उस पर साउंड आएगा। अगर मैं इसको टिक मतलब रेड मार्क कर दूंगा तो क्रोम ब्राउजर के अंदर किसी भी वीडियो के अंदर साउंड नहीं आएगा। तो ये भी आप देख सकते हो अगर ये इशू आप फेस कर रहे हो तो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट मेथड रहेगा, हम क्या करेंगे अगर इसके बाद भी आपको सेम इशू आ रहा है, आपने स्पीकर वाले आइकन पर राइट क्लिक करना है। टॉप पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा ओपन साउंड सेटिंग्स, इस पर आपने क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक करेंगे, स्क्रोल डाउन करेंगे, लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे एक ऐप वॉल्यूम एंड डिवाइस प्रेफरेंसेस, इस पर आपने क्लिक करना है। और यहाँ पे नीचे ना आपको रीसेट का ऑप्शन मिल जाएगा, इससे क्या होगा जो आपकी ऑडियो सेटिंग्स हैं वापस रीसेट हो जाएंगी, तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो जो सारी सेटिंग्स हैं वो रीसेट हो जाएंगी और यहाँ से भी अपने गूगल क्रोम की जो वॉल्यूम है उसको कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, तो रीसेट पे क्लिक करेंगे और अपने सिस्टम को रीसेट करना, आपका इशू जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद भी आपका इशू सॉल्व नहीं हुआ, हम जो अपना फाइनल मेथड है उसको हम अप्लाई करेंगे। तो उसके लिए आपने विंडोज़ आइकन पर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा डिवाइस मैनेजर, इस पर आपने क्लिक करना है। अगर आपका ड्राइवर के अंदर कोई इशू है तो हम उसको फिक्स करेंगे। मान लो आपका ड्राइवर जो है वो प्रॉपरली अपडेटेड नहीं है तो उसकी वजह से भी आपको इशू आ सकता है। ये विंडो खुल के आएगी, नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा साउंड वीडियो गेम कंट्रोलर्स, इस ऑप्शन को एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा हाई डेफिनेशन ऑडियो ड्राइवर ऑडियो डिवाइस, इस पर आपने राइट क्लिक करना है। अपडेट ड्राइवर पे क्लिक करेंगे, सर्च ऑटोमेटिकली पे क्लिक करेंगे और इसको अपडेट कर देंगे एक बार। और इसके बाद भी अगर आपको सेम इशू आ रहा है, फाइनल मेथड क्या रहेगा आपने आपका इस पर राइट क्लिक करना है और इसका जो ड्राइवर है इसको अनइंस्टॉल करेंगे, अनइंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे। जब वो रीस्टार्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली आपका जो ड्राइवर है उसको वापस इंस्टॉल कर देगा। इसके बाद भी अगर आपका इशू सॉल्व नहीं हुआ, मान लो आपका जो ड्राइवर है वो वहाँ पे डिवाइस मैनेजर के अंदर शो ही नहीं कर रहा, तो इस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, या फिर आपने रिसेंटली कोई अपना विंडो इंस्टॉल किया है किसी लैपटॉप के अंदर और जब आपने इंस्टॉल किया विंडो तो तब से वो आपका जो ऑडियो ड्राइवर है वो शो नहीं कर रहा, मतलब आपका तब से साउंड का इशू आ रहा है, उस केस में आपको आपका जो भी लैपटॉप आप यूज़ कर रहे हो उसकी ऑफिशियल वेबसाइट से उसका जो ऑडियो ड्राइवर है उसको डाउनलोड करना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर दिखा देता हूँ। इन केस मान लो मैं HP का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा HP ड्राइवर डाउनलोड, अगर मैं डेल का लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लिखूंगा डेल ड्राइवर डाउनलोड, उसके बाद जो उसकी HP के ऑफिशियल वेबसाइट होगी उस पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस सबका सेम रहता है, लैपटॉप की जो कैटेगरी में लैपटॉप यूज़ कर रहा हूँ तो मैं लैपटॉप सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद मैं आपके जो मेरा लैपटॉप होगा उसके बैक साइड पर उसका सीरियल नंबर लिखा होगा उसको यहाँ पर डाल के सबमिट पे क्लिक कर दूंगा तो ये सारे ड्राइवर जो है वो दिखा देगा। उसके बाद वहाँ से मैं ऑडियो का जो ड्राइवर है उसको मैन्युअली डाउनलोड करके अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर दूंगा और जो मेरा इशू है वो सॉल्व हो जाएगा।